Hello students, how are you? I hope all of you are fine. In the last video, we have discussed cofactors and minors of a determinant, of elements of a determinant. And we know that delta means if this is a determinant A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Okay? Let us recall what we have discussed yesterday or in the last video. This is A11, A12, A13. This is a determinant and we want to find its value. Then this is equal to A11 into corresponding cofactor plus A11, A12 into A12 plus A13 into A13. इस तरीके से डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। तो ये हमने कल कर लिया, ओके? मैं फिर से जल्दी से रिकॉल करा दिया, रिवाइज करा दिया, ये आपको पता है। लेकिन एक और खास बात है, सेकेंड, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो, मैं यहाँ पे लाइन लिखूंगा, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या कहने जा रहा हूं। अगर किसी रो के एलिमेंट्स को किसी सेकेंड रो के, किसी अदर रो के सेकेंड और थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, ओके? तो ये आप वेरीफाई करेंगे खुद, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप करके देख सकते हैं। हम आज एडजॉइंट और इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको जरा समझ लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये वन मार्क में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिखा हो ये डिटर्मिनेंट है एंड A11 into A21, इसको सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया एलिमेंट से, प्लस A12 into A22 प्लस A13 into A23, तो इसकी वैल्यू जीरो आती है। आप वेरीफाई खुद करेंगे इसको, ठीक है? आप इसकी वैल्यू जीरो आएगी, इसको आप करके देख सकते हैं, ठीक है? वेरीफाई करेंगे इसमें। और भी अगर मैं इसको किसी और रो को इसके कोफैक्टर से मल्टी, इसके A11 अगर मैं इसको A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33 इससे मल्टीप्लाई कर दूं, जीरो आए, ओके? यही बात कॉलम में भी ट्रू है। आप जानते हैं कि अगर कॉलम को हम उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो डिटरमिनेंट सिक्स बेस में डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। लेकिन यहां पे अगर हम एक और ये छोटे छोटे सेकंड के पार्ट आप समझ लीजिए, आप इसमें जितने बना सके, कॉलम में भी ये बात सही है, कोई एक कॉलम लेंगे और उसको अगर उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर कोई कॉलम ले और उसे किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करे तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो ये देखिए A11, आप एक 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लीजिए, डिटरमिनेंट ले लीजिए 3x3 और इसे वेरीफाई करेंगे और मुझे बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखेंगे। वन मार्क में आ सकता है पेपर, आप जल्दी में समझ नहीं पाएंगे, इसके 4 ऑल्टरनेटिव दिए होंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए A11 प्लस A21 into A22 प्लस स्मॉल A31 into A32। क्या किया है आपने, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी जीरो आए, ओके? तो इस तरीके से और भी चीज सभी के लिए ये है, तो इसको ध्यान रखेंगे, एक प्रॉपर्टी है। वैसे इस पे कोई बहुत ज्यादा वन मार्क में पेपर कैसे भी आ सकता है, अगर बुक में दिया हुआ है ये तो आपको ये बात भी मालूम रखनी है, इसकी इसका एप्लीकेशन भी आएगा। कल हम कुछ थ्योरम प्रूव करेंगे तो हम इनका यूज करेंगे। आज हम आपको, अब हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? तो अगर मैं ये कहूं, मैट्रिक्स आप जानते हैं अच्छे से, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके? हम खाली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एडजॉइंट को डिफाइन करेंगे। ए इक्वल्स टू ए आई जे
सपोज करिए n बाई n की मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट इज डिनोटेड बाय ए डी, एडजॉइंट जे पढ़ेंगे इसे, एडजॉइंट ए डी जे और ए लिख देंगे, इसका मतलब ये भी एक मैट्रिक्स होती है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स डिनोटेड बाय दिस इज अ मैट्रिक्स डिफाइंड एज एडजॉइंट ए इज इक्वल कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स, मैं यहां ले रहा हूं, आपको याद है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स लेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये जो आता है ये हमारा कहलाता है मीन्स मैट्रिक्स एडजॉइंट, मैं ऐसे लिख दूं इसे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर्स। तो हम कोफैक्टर से जो बनेंगे अभी आप करेंगे, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसे हम कहते हैं एडजॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है और इसके साथ हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं ये भी देखेंगे। तो इसको जरा आपने समझ लिया है, मैं इसको अब एक्सप्लेन भी कर दूंगा। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज, यही तो लिखा है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ये अंडरस्टूड है, फॉर्म कोफैक्टर्स एलिमेंट्स के होते हैं, तो इसे मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो जरा देखिए जल्दी से कैसे आ जाएगा। ये कोई सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ले लें हम, 1 2 कुछ भी ले लीजिए, 3 4 ये एक मैट्रिक्स ले। अब इसके जो a11 है, a11 आप जानते हैं, तो इसका जो कोफैक्टर्स आएंगे मींस कैपिटल a11 डायरेक्ट लिख दे, a11 का मतलब 1 1 का कोफैक्टर, ये रो छूट जाएगी, ये कॉलम पॉजिटिव आएगा, ये मालूम है ये इवन आता है सब मिला के, तो इसको छोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4। a12 नेगेटिव आएगा, a12 कैसा आएगा, फर्स्ट रो और सेकंड इस एलिमेंट का कोफैक्टर a12 का मतलब, तो लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 1 और 2 और मिला के 3 होता है जो ऑड है, -1 रेश्यो 3 आएगा। इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ें, कल के चीज से ही आगे बढ़ रहे हैं, कोफैक्टर इसीलिए आपको पहले पढ़ाया गया है, ठीक है। a12 कितना हो जाएगा, ये रो छोड़ दीजिए, कॉलम कितना आ जाएगा, माइनस साइन के साथ 3 आ गया। फिर a21 मीन सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट, ये देखिए ये भी नेगेटिव आएगा, 2 और 1 3 ऑड होता है तो नेगेटिव आ गया, और ये छोड़ दी ये कॉलम, क्या आ जाएगा 2, क्लियर। और उसके बाद a22 ये पॉजिटिव आएगा, इसका कोफैक्टर, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम, डिलीट दिस और लीव दिस एंड यू विल गेट दिस। तो ये अब हम कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाए अगर, जिसे मैं कहता हूं ए आई जे कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स, ये भी उसी स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, ये भी उस वैसी होगी, और कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स क्या आएगी, 4 4 -3 ओके एंड देन -2 4 -3 and -2 1 ओके। अब इसका ट्रांसपोज, हमारी डेफिनेशन क्या है, एडजॉइंट ए इस मैट्रिक्स, पहले कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज हम कर देंगे, तो एडजॉइंट ए ये भी एक मैट्रिक्स होती है और ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगी ए आई जे से बनी मैट्रिक्स का, कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे देंगे। तो इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, आ गया 4 -3 और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया तो -2 1 ठीक है। तो ये आपने देखा कि एडजॉइंट निकल के आ गया, जिसे हमने कहा एडजॉइंट है। फिर समझ लीजिए एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, उसके को एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज लेंगे, इट इज कॉल्ड एडजॉइंट। फिर सुन लीजिए,
कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज कॉल्ड इनवर्स सॉरी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये एडजॉइंट आ गया। अब हम जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सबको याद हो गया है एडजॉइंट ए इज डिफाइंड एट ए आई ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ ए आई ए कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स। ओके तो जल्दी से हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे 2x2 ऑर्डर के और 3x3 ऑर्डर के, उसके बाद कुछ भी बना लीजिए अपनी मर्जी से हम क्वेश्चंस लेते हैं। ये हमने आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में ऐसा चीज आई थी इनवर्स की, आज हम उससे नहीं करेंगे। तो फिर एक सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं 3, 4, 2, -5। ओके ये एक मैट्रिक्स ए है, आप a11 इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा और मैं -5 हो गया ये रो कॉलम छोड़ के, ठीक है आप तुझे a12 ये नेगेटिव आएगा इसका को फैक्टर और ये वाली रो और ये वाला कॉलम तो 2 आ गया ठीक। फिर आ जाएगा a21 मींस इसका ये भी नेगेटिव आएगा, बताया अब आपको ये रो छूट जाएगी ये कॉलम ये 4 आएगा। ओके फिर a22 मींस इसका को फैक्टर तो ये रो पॉजिटिव आएगा तो ये रो और ये कॉलम 3। अब ट्रांसपोज से बनी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स फॉर्म बाय ट्रांसपोज, आगे हम इसे छोड़ देंगे डायरेक्ट लिख लिया करेंगे हाँ। अभी हम इसे ए आई जे हमारा क्या आएगा बताइए -5, -2, -4, and 3। ओके अब आपको इसका ट्रांसपोज लेना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे एडजॉइंट ए डायरेक्ट लिख दें इसका ट्रांसपोज कर दें ट्रांसपोज ऑफ दिस विच इज -5, -2, -4, 3। ओके तो ये आपने एडजॉइंट लिया। तो किसी भी सेकंड ऑर्डर का अभी थर्ड ऑर्डर में आपको 9 को फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे तो आप कैसे करेंगे देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया सबको सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो इसको गौर से देखिएगा हर बार जितने बार क्वेश्चन करेंगे तो बाद में आप यू विल फाइंड दैट सेकंड ऑर्डर में एक बात बड़ी आसान होती है कि अगर ए मुझे यहां दिया हुआ है मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं a11 a12 a21 a22। इसको वन मार्क में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसे आप डायरेक्ट इस प्रैक्टिस यही है लेकिन इससे हर बार एक रिजल्ट दिखता है कि जैसे आपने देखा -5 यहां आ गया 3 यहां आ गया और इन दोनों के साइन बदल गए। पिछले क्वेश्चन को भी गौर कर सकते हैं जितने क्वेश्चन में आंसर आएगा अब आप देखना अभी करेंगे हम लोग ये आपस में चेंज हो जाते हैं इंटरचेंज और इनका साइन बदलता है खाली 4 का -4 हो गया 2 का -2। तो अगर आप इसी मेथड से इसे भी निकालेंगे तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे a22 a21 a11 और इनके साइन चेंज हो जाएंगे नेगेटिव a। हर बार ये आपका आंसर आएगा आप उसी मेथड से कर रहे हैं लेकिन वन मार्क में अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट एडजॉइंट लिख सकते हैं ठीक है। तो देखिए हम जल्दी से तो मेथड सबको क्लियर हो गया कुछ क्वेश्चन को आप ऐसे कर जरूर लें कि पहले को फैक्टर निकालें फिर एडजॉइंट से बनी मैट्रिक्स सॉरी को फैक्टर से बनी मैट्रिक्स और फिर उसका ट्रांसपोज क्लियर हो गया। और डायरेक्ट के लिए वन मार्क में सीधे इनको आपस में इंटरचेंज करिए और इसका साइन चेंज कर लीजिए तो यू विल गेट एडजॉइंट। बुक की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन उठा जैसे 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही एडजॉइंट हम डिफाइन करते हैं। ओके तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए बुक से हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अब बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ दिस 2, 3, -4, -6 कुछ भी इस बुक का क्वेश्चन है ये ए ये एक्सरसाइज अब हमारी आज होगी 4.4 का हम लोग कर चुके हैं। तो जल्दी से अगर हम एडजॉइंट ए निकालना है मेथड अब हीर वाइज में तो उसी ढंग से निकालेंगे इसे डायरेक्ट लिख ले रहे हैं क्या हो जाएगा बताइए ये इधर और ये इधर तो -6, 2 और इनके साइन चेंज ये -3 और ये -4 से +4 आप करके देख लीजिएगा यही है। कोई और 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो भी आप इसी ढंग से कर सकते हैं
ओके तो किसी भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम फाइंड कर सकते, क्लियर। अब हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एग्जांपल, ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत, आपके ये आगे इनवर्स फाइंड करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेते हैं, जो बुक में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 मान ले रहे, 7 है, 1 2 3 0 2 4 0 0 5, एक्सरसाइज है हमारी 4.5, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 और ये दिया हुआ है 1 2 3 0 2 4 and 0 0 5। आपको दिस इज अ डिटरमिनेंट एंड यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का सिंबल और उसमें मैं आपको फर्क मालूम। तो ये ए है, हम इसे ए से डिनोट कर दे रहे हैं, दिस इज ए, नहीं भी दिया, लेट ए इक्वल्स टू, और अब आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो रूल वही है, आप कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो पहले जल्दी से, अब यहाँ पे कोफैक्टर का मैंने इसीलिए कल आपसे कहा था कोफैक्टर्स की खूब प्रैक्टिस करनी है, एक भी साइन की मिस्टेक से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका एडजॉइंट सही नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम a11 लिखते हैं, a11 मींस इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस माइनस दिस, लिख दें 10 माइनस 0 10 आ गया। अब हम a12 साइन का ध्यान रखें, नेगेटिव आएगा याद है, तो ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम 0 4 0 5 0 into 5 5 0 into 4 0, तो 0 आ गए। a13 मींस इसका कोफैक्टर, तो ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, पॉजिटिव आएगा, अच्छा ये वैसे नेगेटिव आता, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, लेकिन 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने -2 into 0 0 हो जाए। a13 इसका कोफैक्टर निकाल रहे, तो ये रो छोड़ देंगे, 0 -0 ये भी 0 आ गए, ठीक। अब a21 कर हम लोग, ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम, क्या आ जाएगा 10 माइनस 3, फॉलो कर इसे छुपा दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 3 0 5 बचेगा, तो ये 2 into 5 10 minus 0 ये भी 10 आ जाएगा, ओके। a22 अच्छा एक चीज, ये क्या आएगा, -10 आएगा, ध्यान दें, क्योंकि a21, अब a22 ये -10 लिखिएगा, a22 पॉजिटिव आएगा इस एलिमेंट का, ये रो छूट जाएगी, ये कॉलम देख रहे हैं ऐसे, तो 5 minus 0 5 minus 0 5 आ जाएगा। फिर a23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये सेकेंड रो चली जाएगी, थर्ड कॉलम 0 minus 0 0 आ जाएगा। अब a31 के लिए इस एलिमेंट, ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम 8 माइनस, ठीक है ये भी नेगेटिव आता, लेकिन हमने साइन छोड़ दिया वहां क्योंकि जीरो कहता है इसलिए, और जब a31 इसे लेंगे तो ये वाली रो छूट जाएगी कॉलम 8 माइनस 6 2 आ गए। a32 ये नेगेटिव आएगा, लेकिन देखते हैं, a32 मींस ये वाला एलिमेंट लेना है, नेगेटिव साइन लगा लीजिए, ये रो छूट जाएगी और ये कॉलम 4 माइनस 0, तो ये -4 आ जाएगा, 0 छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर a33 में थर्ड, ये रो छूट जाएगी और ये कॉलम कितना आ जाएगा, 2 माइनस a33 है, पॉजिटिव आएगा ये रो और ये कॉलम, तो 2 माइनस 0। अब आपको पता है जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट डायरेक्ट लिख देते, अगर आप ऐसे ऐसे लिखते तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स होगी, लेकिन आपको क्या करना है, उसका ट्रांसपोज लिखना है, तो जो ये रो होगी उसको कॉलम में लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए और इसको ऐसे, समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखें, तो आपका एक स्टेप बचेगा काम थोड़ा। तो यहां पे आपने लिखा एडजॉइंट कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज लेना है, तो इसको ऐसे ना लिख के रो में कॉलम में बदल देंगे, 10 0 0, ठीक। फिर ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे, -10 5 0, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे, 2 minus 4 2, क्लियर। तो इस तरीके से आप एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं 3x3 ऑर्डर की
मैट्रिक्स का डायरेक्ट, हमने कहा पहले ऐसे लिख लीजिए और उसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। क्या कह सकते हैं आप कि एडजॉइंट ए जो है हमारा एडजॉइंट है थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए, क्या आ जाएगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, तो किसे ऐसे ना लिखा ए थ्री वन थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना थर्ड रो को ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, याद रखें रटे नहीं समझ के लिखेंगे तो याद रहेगा, अदरवाइज आप भूल सकते हैं। साइन का ध्यान रखिए, एक भी साइन की गलती होगी तो फिर वो क्वेश्चन छूट जाएगा। मैंने कहा था आपसे कोफैक्टर से खूब प्रैक्टिस करिएगा, आज आपने सीखा कि एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों एडजॉइंट के साथ इनवर्स आता है, और एक्चुअली हमारा काम जो एप्लीकेशन है मैं इसका डिटरमिनेंट का या मैट्रिक्स का, तो वो है कि किसी इक्वेशंस को सॉल्व करना, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं वहां आपको इनवर्स फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। अभी एडजॉइंट पे कुछ थ्योरम्स भी हैं, थोड़ा हम टाइम की वजह से उन थ्योरम्स को कल डिस्कस करेंगे, आज हम चाहते हैं आपको इनवर्स बता दें जिससे आज आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेंगे और बहुत आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी। तो अभी हम थ्योरम्स को कल डिस्कस करेंगे जो एडजॉइंट की कुछ थ्योरम्स हैं, आज हम ये बता रहे हैं कि एडजॉइंट फाइंड करने के बाद इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। ओके तो देखिए इनवर्स फाइंड करने के लिए विदाउट प्रूफ एक थ्योरम मैं आपको लिख दे रहा हूं, अभी इस थ्योरम या फॉर्मूला लिख लीजिए, कल हम इसको कुछ क्वेश्चंस हैं इसको यूज करने के लिए कुछ और की हमें जरूरत पड़ेगी। ए इनवर्स या फॉर्मूला कह लीजिए, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट, ठीक। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि जब भी एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारा ए इनवर्स इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए आ जाएगा, जिसे हम ए हो। तो ये फॉर्मूला फिर समझ लिया, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट। तो सिंपल सी बात है, आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा और डिटरमिनेंट, और फिर आपका इनवर्स आ जाएगा, जो हमें जरूर जरूर सीखना है, अच्छे से खूब प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स की डेफिनेशन हम पहले बता चुके हैं जब हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आपको इनवर्स, और फिर मैंने कहा इस बार ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम सिखा चुके हैं लेकिन वो डिलीट हो गया है सिलेबस से इस साल के लिए, तो आप ये वाला मेथड डिलीट नहीं हुआ है, इस इन मेथड से आपको एडजॉइंट और इनवर्स फाइंड करना सीखना है। उस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा सीबीएसई की तरफ से आया। तो इस साल इनवर्स के लिए देखिए, पहले हम सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए इनवर्स फाइंड कर ले रहे हैं, फिर थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का बुक में भी क्वेश्चन है, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर मैं यहां ले रहा हूं 6, 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स, -1, 5 एंड -3, 2। ये ए सपोज कर लीजिए एंड यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स, आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो अभी मैंने कहा था वैसे आप अगर ये बहुत छोटा क्वेश्चन है आप सबसे पहले डिटरमिनेंट ए फाइंड करेंगे, और अगर डिटरमिनेंट, क्योंकि अभी फॉर्मूला मैंने क्या बताया, दिस इज एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, अगर डिटरमिनेंट ए जीरो होगी मींस इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, याद है कल हम लोगों ने, तो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है दैट इज डिटरमिनेंट ए जीरो है, तो आपको ए इनवर्स फाइंड करने के लिए वो ए इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा, मींस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लेकिन जहां इसीलिए हम पहले डिटरमिनेंट ए फाइंड करेंगे, और अगर डिटरमिनेंट है हमारा जीरो आ जाता तो कह देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट जिन क्वेश्चंस में। लेकिन यहां देखते हैं एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हम डिटरमिनेंट ए पहले फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है डायरेक्ट लिख लीजिए तो भी चलेगा, -5 कितना आ जाएगा -2 + 15, ठीक हो रहा है, -2 ऐसे और -15 हो जाएगा 13, आ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 13 आ गए। एडजॉइंट हम इस ऑर्डर में, क्योंकि आपने सीख लिया है सिंपल, इनको आपस में इंटरचेंज करिए कितना हो जाएगा 2 और यहां -1, और इनके साइन बदल देंगे, ये -5 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, याद हो गया सबको,
एडजॉइंट है, देखते ही पहचान लेंगे कितना आएगा। इनके आपस में इंटरचेंज करना, इसके साइन चेंज करने, तो हमारा जैसे एडजॉइंट, अब ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स, पता करना था तो डिटरमिनेंट है वो फॉर, बल्कि इधर लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एडजॉइंट ए आया है, तो 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1/13 लिख सकते हैं यहां, और ये वाली मैट्रिक्स लिख देंगे 2 -5 3। ये एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट से डिवाइड, अब इतना भी छोड़ दे नहीं तो आप जानते हैं अगर किसी 13 से डिवाइड कर रहे हैं मैट्रिक्स में तो ईच टर्म में 1/13 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन 13 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2/13 -5/13 3/13 -1/13। ठीक, तो ये मेथड आपने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सीखा था, उसमें थोड़ा ज्यादा स्टेप्स थे, ये उससे काफी आसान है, ओनली डिटरमिनेंट निकालिए, एडजॉइंट निकालिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो 2/2 ऑर्डर का आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को करिएगा, हम 3/3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन यहाँ करेंगे बड़ा सा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे किया जाएगा, फिर आपको जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आज कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है इस बुक में, क्वेश्चन नंबर 9, वो एक्सरसाइज है 5.4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2, 1, 3 ए हमें दिवेन है और ए इनवर्स पता करना है, हम यहाँ से ए ले ले रहे हैं, लेटर डिनोट दिस मैट्रिक्स बाय ए, 4 -1 0 एंड -7 2 1, 2, 1, 3, 4 -1 0। अब आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला याद हो गया है, ए इनवर्स मैं यहां लिख दे रहा हूं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट, मींस पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, अगर कहीं डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा तो लिख देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अगर नहीं आएगा तो फिर इसे पहले कोफैक्टर्स ना निकालते, पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इनवर्स के लिए, और मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, सेकेंड रो के लिए हमें फर्स्ट में जिसमें एक स्टेप कम आएगा वैसे, लेकिन पहला फर्स्ट 2, ये रो छोड़ दिए कॉलम दिस -1, ठीक, फिर माइनस आएगा ये वाला 1, ये वाली रो छोड़ गई, ये वाला कॉलम 4 -0 एंड देन +3, ये रो ये कॉलम 8 + 8, ये 8 आएगा और -7 - -7 तो सही है, ये आ जाएगा -2 -4 and +3, तो ये आ जाएगा माइनस, चेक कर ले सकते हैं कैलकुलेशन, 2 ले लिया ये रो के कॉलम -1 -0, फिर -1 आएगा ये रो ये कॉलम 4 -0, फिर +3 आएगा ये गए 8 -7, तो यहाँ पे -2 -4 and 8 -7 तो +3, 4 2 6 -6 +3। अब आपको ये फिर ए इनवर्स यहाँ एग्जिस्ट करता है, डिटरमिनेंट जीरो नहीं आया, अब आप लिखेंगे कोफैक्टर्स a11 मींस इसका कोफैक्टर 9 कोफैक्टर्स है आपके यहाँ, 3, 3, 6, 3, 9 तो 9 लिखने पड़ेंगे, कोशिश कीजिए एक बार लोगे पहले फिर 2 फिर 3 ऐसे, तो a11 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये रो छूटेगी ये कॉलम हम बताइए -1 -1 आ जाएगा और -0, ओके, तो -1 ही आएगा, फिर a12 मालूम है आपको, माइनस साइन चलेगा इसके साथ ऑर्डर आता है मिला के 1 और 2, तो ये रो छूटा ये कॉलम 4 -0 -4 आ गया, देन +a13 आ जाएगा आपका, कॉमा लगा सकते हैं a13 इसका, तो ये रो छूट जाएगी कॉलम 8 -7, डिटरमिनेंट में कई बार, अब a21 नेगेटिव साइन आएगा, पहले देख लीजिए 2 + 1 3 ऑड होता है, ये रो छूट जाएगी ये कॉलम 1 - 6 1 - 6 तो -5 + 5 हो जाए, a22 ओके, a22 देखिए कितना आएगा, a22 ये हो गया पॉजिटिव आएगा, ये रो छूटेगी ये कॉलम छूटेगा और 2 + 21
2 प्लस 21, समझ गए क्यों होंगे, 23 आ गया, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये छूट जाएगा, और 4 प्लस 7, एक चीज ये नेगेटिव आएगा, 4 और ये रो छूट गए, हमने लिया था A23 ले रहे, तो ये रो ठीक है 4 और प्लस 7 हो जाएगा, लेकिन 2 प्लस 3 5, ये नेगेटिव साइन आएगा, 4 प्लस 7 11। फिर आप A31 लिखेंगे, A31 की वैल्यू माइनस, ये रो छूट जाएगी, ये कॉलम बोलिए कितना 1 0, और A31 पॉजिटिव लिया जाएगा, ये रो छूट जाएगी, और ये कॉलम 1 माइनस 0 माइनस 3, तो प्लस 3 हो जाएगा ओके। फिर A32 मींस इस एलिमेंट को लेना है, तो ये रो छूटेगी, ये कॉलम, ये साइन नेगेटिव आएगा, ये रो ये कॉलम 0 माइनस 12, तो ये आ जाएगा प्लस 12। और A33 में थर्ड रो और थर्ड कॉलम छूट जाएगा, ये वाला थर्ड रो और थर्ड कॉलम ठीक, पॉजिटिव -2 -4, -6, -2 और -4 कितना आ जाएगा -6। तो ये आपके सब को फैक्टर्स आ गए, ए इनवर्स हम पहले एडजॉइंट में लिख दे रहे हैं, फिर ए इनवर्स तो आपको मालूम है, इधर हम लिखेंगे एडजॉइंट लिखिए यहां, पता है आपको, इसको ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम ट्रांसपोज लेना है, तो -1 -4 1 -1 -4 1, फिर ये वाली रो को सेकंड कॉलम -5 23 एंड देन -11, फिर 3 12 3 12 -6। तो अब एडजॉइंट आ गया, इनवर्स पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो ए इनवर्स आ जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स एडजॉइंट ए की, डिटर्मिनेंट ए 3 आया है, तो 1 अपॉन -3 लिख दीजिए अभी, और इसके अंदर ये -1 -5 3 -4 23 12 1 -11, आप क्योंकि -3 से डिवाइड करना है, तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, और ये -1 आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 4/3 आएगा, 23/3 हो जाएगा, और ये -4 आएगा ओके, ये 4/3 आप खुद कर लेंगे यार, ये -1/3, ये 11/3, और ये +2, तो आपने ए इनवर्स, तो ये बहुत अगले जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, अब आगे जब आपका टर्न आएगा तो उस पर क्वेश्चन करेंगे, और उस टर्न में हम अच्छे तरह से डेरिवेटिव से जो नेक्स्ट आपके जो पीरियड्स आएंगे उसमें से कंप्लीट कर देंगे अगले वीक में, तो इसको ध्यान रखेंगे सब लोग, देख लीजिए ठीक है। तो ये हमारा तरीका है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। वैसे एक और चीज है, ये एक थ्योरम है जो इसे हम प्रूव करते हैं 4.5 में, वहां लिखा हुआ वेरीफाई ए एडजॉइंट ए, इसे आप करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट टर्न पे हम एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो इसे बताएंगे कि ए एडजॉइंट ए मींस ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लीकेशन होता है एडजॉइंट ए इन दोनों को सेम आता है, और दिस इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट आई, ये आपको वेरीफाई करना है, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स दी होगी पहले आप उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडजॉइंट ए फाइंड को ए से मल्टीप्लाई दोनों, और डिटर्मिनेंट, तो आप देखेंगे ये चीज और ये चीज बराबर आएगी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2, 3 और 4 है। और आज हम आपसे कहेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक आप कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपका होमवर्क कहां तक है? ठीक, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सब लोग कर लीजिएगा। अब आपको कुछ दिन, दो तीन दिन आपको घर पे अपने आप पढ़ना है, उसको ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन नंबर 12 दिस इज योर होमवर्क। ठीक, इसको करके रखिएगा, जब हम मिलेंगे तो हम इसको कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे और आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएंगे। इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एक टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो ओके, अपना ध्यान रखिएगा और काम कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।